नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। अभी हमारे साथ मौजूद है कुंद्रेसी मुंडा। आइए इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान आया था कि 1932 का खतियान लागू नहीं होगा, क्या कहिएगा? निंदा तो हम लोग भी कर रहे हैं और पूरा झारखंडी समाज कर रहा है। ये आदिवासी मूलवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं, नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं, वो भी खतियान आधारित। और जो मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि 1932 के आधार पे हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, 1985 की कट ऑफ जो पिछले सरकार की थी उसे हम रद्द करेंगे, और वो आज कह रहे हैं कि हम इस अगर कोर्ट में जाएंगे, अगर इसको हम बना देते हैं तो कोर्ट इसको खारिज कर देगी। तो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपने ये ऐसा क्यों कहा था? उस समय आपने अपने कानूनी सलाहकार से क्यों नहीं पूछा था कि अगर 1932 हम मैनिफेस्टो में लिखेंगे तो कल को जाके झारखंडी जनता हमसे सवाल करेगी, हाईकोर्ट इसे रिजेक्ट कर देगा, क्यों नहीं पूछा था आपने? हम लोग उनसे सवाल करना चाहते। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, आप अपने कानूनी सलाहकार जो है एडवोकेट जनरल राजीव रंजन मिश्र, उनको सबसे पहले अपने पद से हटाइए, अपने पार्टी से हटाइए, उनको एडवोकेट जनरल बनने का कोई अधिकार नहीं है। और एक बिहारी मानसिकता के लोगों को आप क्यों बना के रखे एडवोकेट जनरल, जो 2002 के डोमिसाइल आंदोलन को उन्होंने हाईकोर्ट से रिजेक्ट कराया था, उस समय वो अधिवक्ता थे, आज महाधिवक्ता बनकर इस तरह का सलाह दे रहे हैं। अगर उन्हें सलाहकार की आवश्यकता है तो हमसे पूछिए ना भाई, झारखंडी जनता से पूछिए, यहाँ एक से एक बुद्धिजीवी हैं, आप उनसे पूछिए। मतलब विधानसभा में आप बैठ गए हैं, आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए हैं, तो उसकी गरिमा को आपको कैसे संभाल के रखना है, कैसे संभाल के चलना है, ये पता नहीं है? मतलब क्या क्या मतलब क्या खा पी के वो विधानसभा में बैठते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता है। और किस चीज़ का वो अध्ययन करते हैं? और मैनिफेस्टो बनाने से पहले उनको अध्ययन करना चाहिए था, ये सब क्यों नहीं किए उस समय, और आज कर रहे हैं? मतलब हद हो गया है। लेकिन अब तो ये आग लग चुकी है, अब ये आग भड़केगी, और खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, या भाषा नीति हो या उद्योग नीति हो, हम लोग तो लेकर रहेंगे। यहाँ ना तो जल जंगल जमीन सुरक्षित है, ना आदिवासियों की जमीन सुरक्षित है। यहाँ पर जितने भी आदिवासियों की जो धार्मिक व्यवस्था की जमीन है, उसको भी सरकार के द्वारा छीना जा रहा है, कभी हाईकोर्ट के द्वारा छीना जा रहा है। मतलब यहाँ किस चीज़ की सरकार चल रही है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर आप नहीं चला पा रहे हैं बाहरी मानसिकता के लोगों को, अगर आप बाहरियों के लिए अगर दरवाज़ा खोलने का अगर सोच के अब ठान के सरकार में आए हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे दें, अन्यथा हम लोग इसका ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसा विरोध करेंगे कि 2024 से पहले उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, 2024 से पहले उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और यहाँ पर पांचवी अनुसूची राज्य है, जिस दिन हम लोग पांचवी अनुसूची का मांग हर जिले से करने लगेंगे, उस दिन सरकार कहाँ जाएगी, कहाँ अपना जगह ढूंढेंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। और हम अपना जंगल जल जंगल जमीन हम लोग खुद बचा लेंगे, कैसे बचाना है ये हम जानते हैं। हमारा अगला कदम है कि हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे, और अभी तो चूंकि सरहुल का मामला है, सरहुल का माहौल है, इस बार बढ़ चढ़ कर हम लोग रोड पर उतरेंगे, और बढ़ चढ़ कर उतरेंगे और विरोध जताएंगे सरकार का, सरहुल में भी विरोध जताएंगे, सरहुल जुलूस में भी विरोध जताएंगे, और इतना विरोध जताएंगे कि सरकार के मुंह में तमाचा होगा। और स्थानीय नीति नियोजन नीति की तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर बोलती हूँ, हम लोग इसको घोर निंदा करते हैं और इसका हम लोग विरोध भी करते हैं। और ये विरोध जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक कि खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू ना हो जाए, क्योंकि अब मांग उठी है तो मांग को अंतिम पायदान तक हम लोग ले जाकर रहेंगे। सरकार गिरे डूबे हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग भाजपा को भी देख लिए हैं, अब भाजपा ना भाजपा ना आजसू ना जेएमएम ना कांग्रेस, कोई पार्टी नहीं चलेगा, कोई पार्टी नहीं चलेगा। अब जनता का पार्टी चलेगा, अब झारखंडियों का पार्टी चलेगा, झारखंडियों का पार्टी चलेगा, क्योंकि अब यहाँ के युवा जाग चुके हैं। सरकार कैसे बनाना है वो भली भांति जानते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। आज बोलते हैं कि मैं नौकरी नहीं रोज़गार की बात की थी, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं मैंने नौकरी नहीं रोज़गार की बात की थी। तो भाई आप, हम लोगों के पास पेपर कटिंग है, आप फेसबुक में भी दौड़ रहा है कि आपने 5 लाख नौकरी देने की बात की थी, और आप पलट जा रहे हैं। मतलब आप तो मोदी को भी फेल कर दिए, मोदी का जो चुनावी जुमला होता है आप उसको भी फेल कर दिया कि नहीं मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था।
तो भाई मतलब क्या है ये हेमंत सोरेन, आप इस्तीफा दे दीजिए ना, नहीं चला पा रहे सरकार। आप झारखंडियों से ज़्यादा बाहरियों के लिए आप ज़्यादा उनको चिंता है, तो आप सरकार छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। और मैं कहूँगी कि जितने भी पक्ष और विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं, उनके जो आदिवासी विधायक है, वो अविलंब अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफा दे, गोलबंद हो और झारखंडी हित के लिए सोचे, अन्यथा कल को उन्हें गांव घुसना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही सवाल जनता करेगी। एक शिलान्यास तक हम लोग करने नहीं देंगे विधायकों को, ये हालत कर देंगे अगर वो अविलंब अपनी पार्टियों से इस्तीफा ना दिए तो। मैं यही कहना चाहूँगी। तो आपने सुना कि इनका क्या कहना है कि अगर 32 खतियान लागू नहीं होगा तो ये आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।